कोरोना 2.0 जितना आक्रामक है, जिस रूप में नजर आ रहा है, इसीलिए आज सवेरे से लेकर शाम तक हम आपको कोरोना के इस नए अवतार से जुड़ी एक एक जानकारी देने वाले हैं। दिल्ली में कल रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो गई। मैं इस समय कनॉट प्लेस मार्केट में हूं और यहां का सन्नाटा देखकर आप समझ सकते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू का सीधा सीधा मतलब वीकेंड पर लॉकडाउन है, क्योंकि दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कि इस तरह के कदम की आवश्यकता थी। 19,486 लोग संक्रमित हो चुके हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है। अपने से कई गुना बड़े राज्य, अपने से कई कहीं अधिक आबादी वाले राज्यों की तुलना में ये जो आंकड़ा है वो बेहद चौंकाता है, क्योंकि नंबर 3 पर इस समय दिल्ली महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के साथ नजर आ रहा है। और मरने वालों का जो आंकड़ा है, यानी जिन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी है कोरोना के इस संक्रमण की वजह से, वो आंकड़ा 141 का है। ये इस समय की बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि दिल्ली वीकेंड लॉकडाउन का तो सामना कर रहा है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस समय मौजूद है। कुणाल, कहते हैं कि ड्रास्टिक, अगर बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं तो उससे निपटने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। अभी तो ये पहला कदम दिख रहा है वीकेंड लॉकडाउन का, लेकिन आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या उम्मीद ये की जा रही है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, कि वीकेंड के इस लॉकडाउन से कम थोड़ी सी उम्मीद बंधेगी कि संक्रमण का ये चेन टूटे? बिल्कुल, और यही इसका पूरा जो लक्ष्य है इस वीकेंड लॉकडाउन को लगाने का, वीकेंड कर्फ्यू को लगाने का, कि कम से कम लोग सड़कों पर आए, कम से कम लोग एक दूसरे से मिले, और इसी बहाने कम से कम इस तरीके की बात हो कि जो संक्रमण की दर बढ़ती चली जा रही है, लगभग 20% या उससे ऊपर तक पहुंच गई है, हर रोज 20,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं दिल्ली के भीतर में, वो नीचे आए आंकड़ा, क्योंकि उससे दो दिक्कत आ रही है। एक तो दिक्कत है कि जो मृत्यु दर बढ़ी है वो तो बढ़ी है ही, जो अस्पतालों में बेड की क्राइसिस हो गई है वो सबसे बड़ी दिक्कत है, खासतौर पर आईसीयू और वेंटिलेटर की क्राइसिस हर जगह दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में चुनिंदा अस्पताल ऐसे हैं जहां वेंटिलेटर और आईसीयू बेड मौजूद हैं, और हर जगह लोग परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें बिस्तर नहीं मिल रहा है, खासतौर पर आईसीयू और वेंटिलेटर वाला, तो वो एक दिक्कत है। इसीलिए 1 बजे एक मीटिंग भी अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों के साथ बुलाई है, जिसमें नोडल मंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि जिनको बनाया गया है नोडल मंत्री कोविड के लिए, वो मौजूद होंगे, सत्येंद्र जैन मौजूद होंगे। ये तय किया जाएगा कि आगे अस्पतालों में व्यवस्था किस तरीके से और दुरुस्त कर दी जाए, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी चिंता है, और अगर उसको नहीं समय रहते हुए तय ठीक किया गया तो लोगों की हालत बहुत बुरी होने वाली है। जिस तरीके से लगातार हर रोज 20,000 केस आना, आप समझ सकती कि कितना बड़ा लोड है दिल्ली के मौजूदा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसको निपटने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी है। उसी तैयारी को लेकर के अभी जो मीटिंग है वो काफी अहम होगी, और जिसमें मनीष सिसोदिया तो होंगे क्योंकि वो शाम में कल गए भी थे अलग अलग अस्पतालों। दिल्ली की बहुत बड़ी ताकत ये हो जाती है कि यहाँ पर जो केंद्र है उसका भी दखल है, और जो राज्य सरकार के अपने अस्पताल है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, नहीं है कि नहीं है, लेकिन उन सारी चीजों के बीच एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय जरूरी है अभी इस समय जब आम लोगों की जान को बचाना है। वीकेंड जो कर्फ्यू है उसका पालन करते हुए लोग अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन क्या ये काफी है?